तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंट का। तो मैनेजमेंट अकाउंट हमारे बीकॉम प्रोग्राम में, बीकॉम प्रोग्राम के अंदर एक न्यू सब्जेक्ट है। और इसको अगर मैं बोलूं, ये जो है ना हमारा, कहीं ना कहीं ये सर हमारा एक कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है कई जगह पे ना। तो इसका पता है कैसे पढ़ाया जाता है, बाहर के यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो वहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट एक ही सब्जेक्ट है ये, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट। सर स्टार्टिंग से देखते हैं, हम अकाउंट्स की बात करें अगर, तो हम अपने 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ते आए हैं ना। 11th क्लास से हमने अकाउंट्स पढ़ा है, लेकिन अकाउंट्स को अभी तक फाइनल ईयर में हम आ चुके हैं, तब भी अकाउंट्स हम पढ़ रहे थे। 11th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़ा था हमने, फिर हमने 12th क्लास में भी अकाउंट्स पढ़ा था, फिर हमने फर्स्ट ईयर में भी अकाउंट पढ़ा है, फिर हमने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में भी हमने अकाउंट्स पढ़ा है। यहाँ पे जितने भी आपने अकाउंट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे थे आपके फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट वो सारे थे हमारे कौन से, फाइनेंशियल अकाउंट। सर फाइनेंशियल अकाउंट का मेन मुद्दा होता है सर बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। जैसे ही हमने ये पूरा पॉइंट कवर किया, इसके अंदर अलग अलग था, पार्टनरशिप का भी हमने देखा फाइनल बैलेंस शीट, इसके बाद कंपनी अकाउंट का भी देखा हमने बैलेंस शीट आपको याद हो तो, इसके बाद हमने सोल प्रोप्राइटर का भी देखा हमने बैलेंस शीट, जिसके अंदर अकेला 11वीं क्लास में पूछा जाता था। इसके बाद इसका एक ब्रांच हो गया FA, फाइनेंशियल अकाउंट। दूसरा ब्रांच आ जाता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट ब्रांच का मतलब ना, अकाउंट आपको अगर एक ही बार सिखा दिया जाए ना तो नहीं सीख सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम काम को बहुत डिटेल में करते जा रहे हैं, तो स्पेसिफिकली हर कोर पे हमें डिटेल में स्टडी करना जरूरी हो गया। पहले कॉस्ट अकाउंट मान लो ना के बराबर था, फिर कॉस्ट आया, कॉस्ट को जब एडवांस वर्जन में लिया गया तो फिर मैनेजमेंट आया। सेम ऐसे अकाउंट्स में सिर्फ कंपनी नहीं था, अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप नहीं होगा तो पार्टनरशिप अकाउंट नहीं होगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आता गया। थर्ड हमारा क्या है सर, मैनेजमेंट अकाउंट। ये आपके सिलेबस का ना एक तो सबसे पहले ऑप्शनल पार्ट है, लेकिन ये कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमें लेना चाहिए या लिया नहीं लिया। जो बच्चा MBA करेगा ना वो इसके बिना MBA नहीं कर सकता, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। कॉस्ट अकाउंट का मेन पार्ट क्या था हमारा, कि पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड करना, जैसे कि हमने कॉस्ट शीट में सीखा था, पर यूनिट फाइंड करना, ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंट का काम होता है डिसीजन लेना, डिसीजन लेना मैनेजमेंट का। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं फोन, मोबाइल फोन की बात करूं, मोबाइल फोन की बात करूं, तो मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है ना, मैंने जहां तक सुना है, एक्चुअल तो मैंने भी नहीं देखा, जहां तक सुना है कि सभी मोबाइल फोन का डिस्प्ले का मैन्युफैक्चरिंग मेनली सैमसंग करता है। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि आईफोन का जो डिस्प्ले होता है उसका भी मैन्युफैक्चर कौन करता है, सैमसंग। और आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे लैपटॉप ले लिया, तो लैपटॉप के अंदर अगर HP का लैपटॉप है तो सब कुछ HP का थोड़ी ना होगा, बस उसका ब्रांडिंग होता है। उसके अंदर आपका कैमरा किसी और कंपनी का, हार्ड डिस्क किसी और कंपनी का, मदरबोर्ड किसी और कंपनी का, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और कंपनी का, सेम। तो सर एप्पल जो है, एप्पल जो है आपका, क्या उसके पास पैसे नहीं था कि वो डिस्प्ले बना पाए, क्या उसके पास पैसे नहीं था कि वो डिस्प्ले बना पाए, था। लेकिन जब उसने अपने पास, अपने हिसाब से जब उसने क्या करा, डिस्प्ले बनाया, उसकी कॉस्ट फोन की जा रही थी ज्यादा, तो उसने फैसला लिया एक कि हम क्या करें, उसको कहीं और मैन्युफैक्चर करा ले। कहीं और मैन्युफैक्चर करा ले से क्या मतलब है, कि अगर कोई इफेक्टिव कॉस्ट वाला मिल जाए। मैं साधारण सा एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एक समोसे खाने हैं, एक समोसे घर पे बनाना है आपको, तो घर पे जब बनाओगे तो कम से कम आप 2 रुपए का तो आलू लेके आओगे नहीं, कम से कम आपको 10 रुपए का कम से कम आपको आलू लाना होगा, फिर आपको ऑयल लाना होगा, फिर आपको मसाले लाने होंगे। तो एक समोसे को बनाने में आपका पता है कितना लग जाएगा, मेरे हिसाब से कम 50 रुपए तो लग जाएगा एक समोसे को बनाने में, घर में एक ही बनाना है। अब बेहतर क्या ऑप्शन है, क्या डिसीजन लोगे, एक बना के खाना पसंद करोगे या फिर बाहर से खरीद लेते हैं 10 रुपए का, बाहर से खरीद लेते हैं। तो ये क्या है आपका, ये दिस इज अ डिसीजन कि आपको प्रोडक्ट इन हाउस बनाना है या फिर प्रोडक्ट आपको बाहर से खरीदना है।
वो हमें सिखाया जाता है मैनेजमेंट में। तो कॉस्ट अकाउंट का एक एडवांस वर्जन होता है हमारा मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट अकाउंट में हम काफी सारे चैप्टर को भी देखेंगे और उसी के हिसाब से सारा टॉपिक हम करने वाले हैं। सर फ्लो बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, अब रेगुलर क्लास होगी उसकी टेंशन मत लो। मतलब रेगुलर इन द सेंस MWF रहेगा, अब कोई छुट्टी नहीं होगा, सुबह वाले में ऊपर नीचे हो रहा था, अब रेगुलर रहेगा बिल्कुल। तो सर ये था मैनेजमेंट। क्या क्या सीखने वाले हैं सर मैनेजमेंट अकाउंट में, हम क्या क्या पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंट में? तो बड़ी सीधी सी बात है, हमारे जो चैप्टर हैं क्या क्या है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सर दूसरा कौन सा चैप्टर आएगा इसमें? बजटरी कंट्रोल। बड़े छोटे से चैप्टर है, 7-8 चैप्टर है, अल्टीमेटली इतने बड़े चैप्टर है नहीं। दूसरा बजटरी कंट्रोल। तीसरा कौन सा है सर? तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी कहते हैं। फोर्थ कौन सा है सर? आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पांचवा कौन सा है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर छठा कौन सा है? ABC कॉस्टिंग। जिस सातवां कौन सा है सर? आपका डिसीजन मेकिंग। मैं इन चैप्टर को किताब के हिसाब से तो सीक्वेंस नहीं लिख रहा, जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है मैं लिखता जा रहा हूं। और आठवां है हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग। मैं किताब के हिसाब से तो नहीं लिख रहा सर, इसको पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे? क्या 10 ईयर से करेंगे या कुछ और हमें स्टडी मटेरियल लेना है? वो सारी बातें मैं बता दूं, इसको पढ़ने के लिए हम बुक जो लेंगे, जो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक प्रेफर किया जाता है, MN अरोड़ा। MN अरोड़ा। सर पुरानी बुक से काम चल जाएगा क्या? अगर मैं बताऊं तो अब से पहले जो आप पढ़ रहे हो ना, पहले कभी BCom प्रोग्राम के अंदर मैनेजमेंट अकाउंट हुआ ही नहीं करता था। पहले बस कॉस्टिंग पढ़ा देते थे, उसके आगे हम अदर सब्जेक्ट करके चले जाते थे, ऑनर्स में हुआ करता था। तो अभी आप जब लेने जाओगे तो ध्यान रखना, MN अरोड़ा बुक लोगे तो BCom प्रोग्राम का ही लेना है आपने, ऑनर्स का नहीं लेना। क्योंकि ऑनर्स के अंदर ना दो चैप्टर और पार्ट में आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, वो भी मैनेजमेंट अकाउंट का ही होता है। तो वो चीजें देख के लेना है आपको MN अरोड़ा, और कोशिश करना है कि न्यू बुक लोगे। हम प्योरली इस बुक को फॉलो करेंगे, प्लस हम कुछ 10 ईयर के भी क्वेश्चन करेंगे। हाँ 10 ईयर के सारे क्वेश्चन नहीं, जितना मैक्सिमम हम कर पाए वो करने वाले हैं। सर टाइम क्या रहेगा? ये टाइम फिक्स है, जैसे कि मेरा एक सेमेस्टर 1 वालों का मैंने शिफ्ट चेंज कर दिया है। टाइम रहेगा आपका MWF आपका 6 to 7:30 का टाइम रहेगा। हाँ स्टार्टिंग में इससे पहले भी एक क्लासेस चलती है, तो मे बी ये 6:15 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको लाइव क्लास के अंदर शेड्यूल मिल जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये चैप्टर हमारे सारे हैं। सर कौन से चैप्टर कितने नंबर का, कितने मार्क्स का आएगा? सर 75 मार्क्स का आपका एग्जाम आने वाला है। 75 में से इंट्रोडक्शन में से तो एक क्वेश्चन आना ही है, थ्योरी का आपका 15 मार्क्स का मान लो, बजटरी कंट्रोल में से एक 15 मार्क्स का मान लो, और ये बजटरी कंट्रोल के बाद मार्जिनल में और डिसीजन मेकिंग में इसमें से 15 का मान लो, सॉरी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल और इन दोनों को मिला के 15 का आएगा। स्टैंडर्ड अलग से 15 का पूछा जाता है, और इन सभी को मिला के एक 15 का बनेगा। तो 15 15 15 इस तरीके से आपके बन जाते हैं पूरे 75 मार्क्स का एग्जाम। हालांकि आपका पेपर जो बनेगा वो कितने नंबर का बनेगा? 150 नंबर का आएगा, ठीक है ना? 150 नंबर का मतलब क्या होता है सर, कि आपको वहां पे सारा का सारा ऑप्शन में भी मिलने वाला है। सर थ्योरी और प्रैक्टिकल का कैसा रहेगा पोर्शन, कौन से चैप्टर बड़े हैं, कौन से चैप्टर छोटे हैं? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ा है और टिपिकल है, बाकी सारे आसान है। अगर हम बहुत स्पीड में चले तो महीने भर में भी आपका सिलेबस खत्म किया जा सकता है। तो किसी को सबसे पहले टेंशन नहीं लेना कि होगा या फिर नहीं होगा,
डेफिनेटली एग्जाम से पहले कब तक सिलेबस खत्म करा दोगे? ऑलरेडी जो बच्चे लाइव देखते हैं ना, उस लाइव वाले बच्चों को तो बोलूंगा ऑलरेडी आप जा सकते हो ओल्ड फोल्डर में जाके, जब मर्जी खत्म कर लो। बाकी मेरा टारगेट रहेगा 15 अप्रैल तक, अप्रैल 15 तक मैं आपका सिलेबस डन करा दूंगा। अप्रैल 15 तक आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर रिविजन हो जाए, या फिर 10 ईयर के क्वेश्चन करें, या फिर आपका टेस्ट हो जाए, वो चलाएंगे। आपका एग्जाम 15 मई से भूला हुआ है डीयू ने, हो सकता है मैनेजमेंट का पहला या दूसरा पेपर होता है, हो सकता है मई की जगह पे आपका जून फर्स्ट वीक में आ जाए आपका पेपर, उससे लेना देना नहीं। हम टारगेट लेके चलेंगे हमारा कब खत्म हो जाए सर, 15 अप्रैल को। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं सर। बुक का फ्रंट फेस बता दो, बुक का फ्रंट पेज मेरे पास भी अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देख के भेज दूंगा एक बार, इंटरनेट से सभी बच्चों को शेयर कर दूंगा। पहले बताइए यहां तक किसी को डाउट, आप लोगों में से किसी को डाउट क्लियर है ये? तो हम जो पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, बड़ा सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, नाम है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। तो चलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है कॉस्टिंग। सबसे पहले तो बच्चे ना नाम को लेके कंफ्यूज रहते हैं सर, नाम को लेके क्या कंफ्यूज रहते हैं, नाम को लेके ये कंफ्यूज रहते हैं यहां पे कि इसके ना दो तीन नाम है, और मैं कोई भी नाम ले लेता हूं सर। चैप्टर 8 क्या लिखा था, मैं आपको पूरा इंडेक्स भेज दूंगा, चिंता मत करो, मैं पूरा इंडेक्स भेज दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। चैप्टर नंबर जो 8 लिखा था मैंने, ये लिखा था रेलेवेंट कॉस्टिंग है, रेलेवेंट कॉस्टिंग। ठीक है, मैं पूरा इंडेक्स भेज दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करो। इसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी बुला लेते हैं, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बुला लेते हैं, और इसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी कह देते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसे पीवीआर भी कह लेते हैं। आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा ये पॉपुलर है, किस नाम से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से, पीवीआर के नाम से। ठीक है सर, इस चैप्टर का मतलब क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? अब इस चैप्टर को देखें, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हमें प्रॉफिट कमाने के लिए, हमें प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या क्या करना होगा और कैसे हम एक डिसीजन ले सकते हैं, वो देखने वाले हैं इसके अंदर, हम प्रॉफिट को कैसे कमाएंगे। तो कुछ एक बेसिक बेसिक चीज है, पहले वो देख लेते हैं। अगर मैंने प्रॉफिट का बात कर ही लिया है, तो प्रॉफिट की बात अगर हो गई है, तो प्रॉफिट निकलता कैसे है, आपको मैं एक इनकम स्टेटमेंट बता देता हूं। इनकम स्टेटमेंट, तो यहां से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा सर। सर इनकम स्टेटमेंट का मतलब, इनकम स्टेटमेंट जैसे, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेल्स। मैं एक एग्जांपल भी 100 रुपए का ले लेता हूं। सेल्स में से माइनस क्या करते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं हम 60 रुपीज। इनको माइनस करने के बाद एक रिजल्ट आता है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 40। फिर माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिर माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ही हमने इसमें से माइनस किया, मान लेते हैं 10, तो अब जो रिजल्ट आया दैट इज प्रॉफिट। अब जो रिजल्ट आया प्रॉफिट, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया हो तो याद हो ये लीवरेज वाले में भी किया था हमने, लेकिन लीवरेज वाले में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बड़ी सारी कहानी थी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यानी सर अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, तो हमें सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, और फिर फिक्स कॉस्ट चाहिए। अगर ये तीनों आइटम गिवन है तो वो सर, वेरिएबल कॉस्ट को हम ना मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है, मैं एमसी लिख रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, ध्यान रखिएगा। यानी इसको मैं अगर टेबलर फॉर्म में लिखूं, मतलब स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, तो सर सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट और प्लस में प्रॉफिट। यही तो लिखा है मैंने, अब ध्यान से देखिए,
यही लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए आप, बताइए ये है या नहीं है। सेल्स क्या होगा आपका? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और प्लस में क्या प्रॉफिट, यही लिखा है इस स्टेटमेंट को देखिए एक बार आप, यही है, बस मैंने इसको आगे पीछे करके लिख लिया। अब ध्यान से अगर हम और भी इसको ध्यान से देखें ना कुछ चीजों को, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को, तो सर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दे तो पता है क्या बनता है? कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है। सर कैसे बनेगा? आप देखिए, सेल्स में से क्या माइनस किया? वेरिएबल। अगर सेल्स में से वेरिएबल माइनस कर दिया तो बचा दो ही बातें ना, एक फिक्स कॉस्ट बचा और एक प्रॉफिट। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बनता है हमारा? कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा बनने वाला है सर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आगे की कहानी देखते हैं सर। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है? यानी सर कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ी सारी चीजें हो सकती है। बिल्कुल हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा, एक तो हो सकता है सेल्स में से माइनस क्या कर दो? वेरिएबल कॉस्ट। और क्या हो सकता है सर कॉन्ट्रीब्यूशन? और हो सकता है सर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। और भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? बिल्कुल होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और भी होता है। एक फॉर्मूला होता है हमारा, मैं यहां पे सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब वहां पे जाऊंगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा इज इक्वल टू, कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बारे में मैं अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अभी आगे जब जाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, इनटू में ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर मैं इसका पूरा डिटेल फॉर्मूला लिख के फिर लेके चलता हूं। देखो एक ना ब्रेक इवन पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला क्या कहता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। ठीक है, अगर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इसको इससे क्या कर सकता हूँ? डिवाइड, इसको इधर ला सकता हूँ, मुझे ये चाहिए इस फॉर्मूले से, ये चाहिए। तो बनाइए कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे बन सकता है, दिमाग लगाइए आप। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना होगा बताओ? मुझे फिक्स कॉस्ट में क्या करना होगा? डिवाइड कर देंगे हम, यानी ये वाला इधर आ जाएगा, वापस ये इधर आ जाएगा, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये भी आ सकता है हमारा एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। बाकी जो ये वाला फॉर्मूला लिखा है, इस वाले फॉर्मूले को अभी ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, मैं बता दूंगा आपको। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब सर ये कुछ वे है जहां से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का भी पता होना चाहिए। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि सेल्स से लेके प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बड़ी सीधी सी बात। और ये हम अभी नहीं सीख रहे, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ये बातें। इसके बाद इसी को मैंने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में बना दिया, और वहीं पे मैंने क्या करा कि सिंपल सी बात है कि कंट्रीब्यूशन क्या क्या मिलके बनता है वो चीजें हमने देख लिया। चलिए अब परसेंटेज के टर्म्स में बात कर लें। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए सेल्स 100 रुपए है, सेल्स कितना है? 100 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट मैं यहां फॉर्मूला भी लिख देता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। फॉर्मूला बनता है हमारा सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले पे चैप्टर टिका हुआ है पूरा ये। अगर मैं ये आपको 100 बोलूं और ये मैं आपको 60 बोलूं, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि सेल्स का कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है? क्या बता सकते हैं सेल्स का कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है? साफ साफ दिख रहा है आपको सर, अगर 60 है तो 60% है। और अगर मैं सेल्स में से, अगर मैं 100 में से, और अगर मैं बात करूं तो बाकी बचा हुआ ये वाला पार्ट होगा, और इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं सर? तो ये कितने परसेंट होगा? यानी मैं कह सकता हूं कि सेल्स का परसेंटेज, यानी मैं कह सकता हूं, बड़ी सीधी सी बात है, अगर परसेंटेज टर्म्स में हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि सेल्स परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज प्लस कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, कह सकता हूं मैं सेल्स परसेंटेज इज इक्वल टू वेरिएबल का परसेंटेज। यानी बड़ी सीधी सी बात है, परसेंटेज दोनों का मिला के, जब कभी भी होगा इन दोनों का मिला के हमेशा कितना परसेंट बनेगा? 100 ही बनेगा।
तो मैं ये भी कह सकता हूं कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है 100 में से माइनस वीसी परसेंटेज, क्योंकि 100 क्या है, दोनों का मिला के है। तो मैं कंट्रीब्यूशन परसेंटेज अगर निकालना चाहूं तो क्या हो सकता है, 100 में से किसका परसेंटेज माइनस कर दूं मैं, वीसी। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, कंट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें ना आपको पता है, फॉर्मूले इसके अंदर ज्यादा बन जाएंगे, बताते बताते समझ जाओगे, तो वो भी आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लगेगा ये तो होता ही है नॉर्मली। चलिए सर, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए आप, यहां तक, फिर हम आगे अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर चार वीडियो है सेम टॉपिक का, मैंने कहा मैं सारी जो पुरानी वाली वीडियो है ना मैनेजमेंट की, जो मैंने अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड की थी, उसे डिलीट कर दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो गया था मेरे से। अब मैं आज से नया स्टार्ट कर रहा हूं, बस ये मान के चलो, जिन्होंने कर रखा है उनका रिविजन हो रहा है, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए अच्छी बात है। क्लियर है यहां तक सारा? चलिए आगे देखते हैं सर, कुछ हम फॉर्मूले पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ अभी। एक बात होता है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट वॉल्यूम, वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या कहता है, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। अब सर कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने सारे पार्ट जो मैंने बताए वो किस चीज के बताए, कंट्रीब्यूशन। जो सबसे पॉपुलर और जो सबसे सिंपल है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपको पता है क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है, पीवीआर इज इक्वल टू पीवीआर, या इसको रहने ही देते हैं अभी, पहले ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। यानी सर यहां से भी ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आप ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से भी एक कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकलेगा। मान लिया जाए हमारा सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स इज इक्वल टू 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 60 रुपीज, ये रुपीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, या 1000 ले लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा सर इसमें कैसे कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 500 रुपए, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 500, ज्यादा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 300 रुपए। मेरा सवाल है, मेरे सवाल का आंसर देना है, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन मार्क है प्रॉफिट। दूसरा सवाल है मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा सवाल है मुझे बताइए पीवीआर यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है। तो इसका आंसर तो मैं ही करूंगा अभी, इसका आंसर तो मैं ही करूंगा। प्रॉफिट अगर आपसे पूछा गया है तो प्रॉफिट इससे निकाला जा सकता है, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वीसी प्लस में एफसी प्लस में क्या, प्रॉफिट। ये कर लीजिए या फिर ये स्टेटमेंट बना लीजिए, आपकी इच्छा है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स सवाल में कितना था, 1000 रुपए। अगर वीसी की बात करें कितना था, 600। एफसी की बात करें कितना था, 300। प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या प्रॉफिट निकल गया हमारा? तो जवाब है सर यस, प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, जो कि कितना आया, 100 रुपए। अगला है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, सेल्स माइनस में वीसी। सेल्स कितना है, 1000, माइनस में वीसी कितना है सर, वीसी हमारा 600 है, दैट इज आपका 400, ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है मैंने, अगला सवाल मैंने पूछा है पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या कहता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। कंट्रीब्यूशन हमें पता है कितना है, 400। सेल्स हमें पता है कितना है, 1000 इनटू में क्या होगा, 100। कितने परसेंट आते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, यानी आ गया हमारा 40%। पीवीआर रेशियो कितना है, 40%। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम सेल्स से पीवीआर रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम सेल्स से मल्टीप्लाई कर दें पीवीआर रेशियो को, तो देखो बराबर में कंट्रीब्यूशन नजर आएगा आपको, आप देखो सामने क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन कैसे, सेल्स कितना था, 1000, पीवीआर रेशियो क्या निकला, 40%, कंट्रीब्यूशन कितना आया, 400। और यही तो मैं बता रहा था, कंट्रीब्यूशन यहां भी कितना है, 400। यानी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया सर, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू में पीवीआर, बोल सकता हूं मैं,
सेल्स इंटू में पीवीआर। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जितने भी बातें लिखा है मैंने ये सारा किस चीज के ऊपर बेस किया मैंने कि हम कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें एक फॉर्मूला, इसके अंदर तीन चार एस्पेक्ट फॉलो करना है, एक कंट्रीब्यूशन सीखना है, एक पीवीआर सीखना है, एक ब्रेक इवन पॉइंट सीखना है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीखना है। चार बातें सीख जाओगे चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा। तो इसका मतलब क्या है रियल लाइफ में, मायने क्या है, जैसे जैसे हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये भी क्लियर है कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन निकाला, यानी कंट्रीब्यूशन यहां पे दो फॉर्मूले और इंसर्ट किए मैंने पीछे, तो यहां से हमें क्लियर हो गया। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, ये निकाल लेते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इंडिपेंडेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन है। नंबर वन कहता है हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 8,000 और प्रॉफिट है 5,600। तो केस नंबर वन इंडिपेंडेंट, आपको क्या निकालना है सर, कंट्रीब्यूशन। देखिए मैंने कहा कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले इतने हैं, अब दिमाग ना आपको लगाना है कि कौन सा वे से हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कोई बच्चा अगर ये पकड़ के बैठ जाएगा ना कि सेल्स में से माइनस वेरिएबल करो तभी कंट्रीब्यूशन आएगा और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तो वो परेशान रहेगा। तो इसी वाले सवाल में देख लीजिए आप, क्या बोला उसने आपको, फिक्स कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दे दिया। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का एक और भी तो तरीका बताया था सर, क्या बताया था मैंने, फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट, याद आया? ये मैंने बताया था कि फिक्स कॉस्ट और प्लस अगर प्रॉफिट करेंगे तब भी कंट्रीब्यूशन आएगा। ये देखिए फिक्स कॉस्ट अगर प्रॉफिट करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसी को फॉलो कर ले यहां पे, तो कितना आना चाहिए हमारा, 8,000 प्लस में 5,600, दैट इज आपका 13,600। पहले का आंसर डन। ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, कोई मैं अलग से लेके नहीं चल रहा, बिल्कुल अलग से लेके चलूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपके MN अरोड़ा का ही पहला क्वेश्चन है, ये देखेंगे जाके। तो अगला केस कहता है वेरिएबल कॉस्ट 7,000 और सेल्स 11,000, कंट्रीब्यूशन निकालिए। तो सर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वैसे ओरली पता चल रहा है तो यहां फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेल्स माइनस में VC, दैट इज आपका सेल्स कितना है 7,000 और माइनस, सॉरी सेल्स हमारा है 11,000 माइनस में 7,000, तो कितने आ गए 4,000। केस नंबर करते हैं थ्री, केस नंबर थ्री, थ्री में कहता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और प्रॉफिट भी दे रखा है और ब्रेक इवन पॉइंट भी दे रखा है। तो मैंने एक सवाल में बोला आपसे कि अभी मैं फिलहाल के लिए ब्रेक इवन पॉइंट लिख देता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये है, लेकिन ये कैसे बना, इसका एक्चुअल माइनस मायने क्या है, इसको हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को, लेकिन अभी सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करने वाले हैं इसको। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना कंट्रीब्यूशन है। तो सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो दे ही रखा है, हमें रुपीस में निकाल के बताना है कंट्रीब्यूशन। यूनिट और रुपीस में फर्क होता है, यूनिट मतलब एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन, रुपीस का मतलब अलग, समझ लेते हैं ये क्या है। मान लो मैंने बोला सेलिंग प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोला 7 रुपए, और जो हम यूनिट सोल्ड करेंगे, यूनिट सोल्ड करेंगे सपोज करो 1,000 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपका जवाब होगा सर 3 रुपए। अगर मैं पूछूं सिर्फ बताओ कंट्रीब्यूशन, तो आपका जवाब होगा एक यूनिट पे 3 रुपए, तो 1,000 यूनिट पे कितना होगा हमारा 3,000। तो पहले दोनों में फर्क समझिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट पे कितना आपका कंट्रीब्यूशन है, और अगर मैं बोलूं सिर्फ कंट्रीब्यूशन बताओ तब आपने क्या बताना है, एक यूनिट का नहीं बताना, आपने ओवरऑल किस में बताना है, रुपीस में बताना है। तो यहां पे देखा जाए इसी सवाल में, अगर इसी सवाल में हम देखें यहां पे तो क्या है सर, कहता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा काम का है नहीं यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ध्यान दीजिए ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, फिक्स कॉस्ट निकाल पाएंगे, यहां से क्या निकाल पाएंगे,
फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? फिक्स कॉस्ट देखते जाइए, 2000 फिक्स कॉस्ट नहीं पता, डिवाइडेड बाय सीपीयू, सीपीयू कितने हैं हमारे? 7 रुपए। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, नहीं आएगा? फिक्स कॉस्ट कितने आ गए? 14000। अब आपको क्या क्या पता है जानकारी की मैं बात करूं तो आपको क्या पता है? फिक्स कॉस्ट पता है, नंबर दो आपको प्रॉफिट भी सवाल में दे रखा है, अगर मैं देख पा रहा हूं आपको भी पता चल रहा होगा प्रॉफिट कितना है, 3000। क्या अब रुपीस में कंट्रीब्यूशन निकालना आसान हो गया? यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कितने आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन? सर कंट्रीब्यूशन निकालने का सिंपल सा तरीका है ना, इन दोनों को ऐड कर दो ना, जो कि आ जाएगा हमारा 17000। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन के ऊपर किया है। किसी को दिक्कत है इसमें तो आप पूछ सकते हैं।